मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं मेरे पिताजी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ, पर सर्वप्रथम मैं उनका नाम बताना चाहती हूँ। उनका नाम संतोष धुमाड़े है। वे मेरे लिए एक आदर्श पिता है, क्योंकि उनमें वे सारी योग्यताएं मौजूद है जो एक श्रेष्ठ पिता में होती है। वे मेरे लिए एक पिता ही नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी है, जो समय समय पर मुझे अच्छी और बुरी बातों का एहसास कराते हैं। उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं उन्हें दुनिया में सबसे खास बनाती है, जैसे धीरज। पिताजी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वे हर परिस्थिति में शांति से सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं और धीरज से काम लेते हैं। गंभीरता। पिताजी घर के सभी कार्यों और परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होते हैं। वे कभी छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि उसे गंभीरता से लेकर इसका महत्व हमें समझाते हैं। अनुशासन। पिताजी हमेशा हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं। वे खुद भी अनुशासित होते हैं। सुबह से लेकर रात तक उनकी पूरी दिनचर्या अनुशासित होती है। प्रेम। पिताजी मुझसे और परिवार के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। पिताजी मुझसे और परिवार के सभी लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। वे घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते। बच्चे कोई गलती क्यों ना करे, पर पिताजी उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाते हैं और गलतियों के परिणाम बताते हुए उसका दोबारा न करने की सीख देते हैं। बड़ा दिन। पिताजी का दिन बहुत बड़ा है। कई बार उनके पास पैसे नहीं होते, फिर भी वे अपनी ज़रूरतों को भूलकर हमारी ज़रूरतें और फरमाइशें पूरी करते हैं। बच्चे कोई बड़ी से बड़ी गलती भी क्यों ना करे, पर पिताजी थोड़ी देर गुस्सा दिखाने के बाद इसे माफ़ कर देते हैं। शायद इन्हीं सब विशेषताओं के कारण पिता की महानता बढ़ रही है। वे उनकी तुलना किसी से भी कम नहीं की जा सकती। उनकी तुलना दुनिया में किसी से भी कम नहीं की जा सकती। धरती पर पिता प्रत्येक बच्चे के लिए साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। हमें उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में सहनशील, गंभीरता, अनुशासन, प्यार, प्रेम, बड़ा दिल से रहना चाहिए। धन्यवाद।